कम्युनिस्ट पार्टी रीवा की सिरमौर विधानसभा सहित प्रदेश की 16 सीटों से लड़ेगी चुनाव, बाकी सीटों पर भाजपा को हराने वालों को देगी समर्थन। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा से अपना प्रत्याशी गया प्रसाद को घोषित करते हुए प्रदेश की 16 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कही। बाकी 214 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन देगी जो भाजपा को हराने की स्थिति में होंगे, बगैर किसी गठबंधन के भाजपा को हराने वालों को समर्थन देंगे। मुख्य सवाल कृषि और बेकारी, कहा कि हम माने प्रत्येक वर्ष काम देंगे, मुश्किल से 4 से 4.5 लोगों को काम प्रतिदिन दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा का काम नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने पिछले चुनाव में तरह तरह की बातें किया उन्होंने, और जब उनको मौका मिला तो किया नहीं। तो अब हालात ये हैं कि 73% 1% हिंदुस्तान का पूंजीपति 55% संपदा का मालिक है। 1% जो है 55% का मालिक है, अब बाकी में का ये वितरण है जिसमें हम सब लोग आते हैं। तो ऐसा न हम हिंदुस्तान चाहते हैं, न सरकार चाहते हैं, न कार्यक्रम चाहते हैं। इन तमाम कारणों की वजह से, और सबसे बड़ा आरोप यह है कि तमाम बुद्धिजीवियों के ऊपर, सोचने समझने वाले लोगों के ऊपर इतना दबाव बनाया। ये कांड शुरू हुआ है जेएनयू से, आज ये कन्हैया से, क्या क्या इन्होंने काम किया, कैसे कैसे क्या क्या बनाए, झूठे एफिडेविट बनाए, झूठे वीडियोज़ बनाए, और उसको गद्दार कहा, ये कहा, वो कहा, तमाम तरह की गिरफ्तारियाँ दी, तमाम सब हुआ पूरे हिंदुस्तान में। ये अहिष्णुता का, आप हमारी आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना तो किसी ने नहीं की। तो अगर इमरजेंसी न सही पर सेमी इमरजेंसी का वातावरण हिंदुस्तान के भीतर है, मोदी में तानाशाहियत के एलिमेंट हैं, तो अभी तो NDA के नाम से सरकार चला रहे हैं, और है तो एब्सोल्यूट इनकी मेजॉरिटी, आने वाले वर्षों में ये और इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, इस वजह से वो स्वीकार है। हम अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी, अभी आपने पूछा, हमारे दो ही आज के वो हैं, एक तो एक जगह से हम लड़ रहे हैं, हम इतने ताकतवर नहीं हैं, पूरे प्रदेश में 16 कुल सीटें हम लड़ रहे हैं। तो अगर हम ताकतवर होते तो हम किसी से कोई भी बात न करते, ना कांग्रेस के समर्थन की बात करते, ना किसी की बात करते, हम अपने दम पर लड़ते हैं। तो 16 सीटें हम लोग को लड़ रहे हैं, और इस वजह से लड़ रहे हैं कि हम अपनी असेंबली में प्रेजेंस, उपस्थिति दर्ज करवाएं, जो एक इफेक्टिव विरोधी दल की भूमिका तैयार करें, और जो नीति आती है इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें।